हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ और एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप घर पर बच्चों को करवा सकते हैं और उनके उन स्किल्स पर काम कर सकते हैं जो उनमें डेवलप होने बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है या डेवलपमेंटल डिलेड है या फिर ADHD भी है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में, उनकी स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी स्लो रहती है क्योंकि बच्चे बाकी बच्चों की तरह अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, पिक नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमें उन स्किल्स को बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैडम हम घर पर उनको क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं। तो आज का मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है कि घर पर अगर आपको बच्चे का डायग्नोज मिला है तो हमें घर पर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उन्हें अर्ली इंटरवेंशन घर पर ही किस तरह से दिया जा सकता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, अगर आप पेरेंट्स हैं ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम बच्चों के हर एक एरिया पर काम करेंगे और वो कौन से एरियाज हैं जिन पर हमें काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज मेन जो होती हैं हमारी बच्चों के IP पर बेस्ड होती हैं। IP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसमें हम बच्चे की स्पेसिफिक नीड को देखते हैं। कभी भी दो बच्चे भी ऑटिज़म में सेम नहीं होते हैं। मैं नॉर्मल बच्चों की भी बात करूँ तब भी वो सेम नहीं होते हैं ऑटिज़म में स्पेशली, क्योंकि ऑटिज़म में कोई स्किल बच्चे का किधर है और किसी का कोई स्किल ऊपर है या नीचे है, दोनों बच्चे सेम नहीं हैं। अगर हो सकता है कि आपके बच्चा आई कॉन्टैक्ट अच्छा देता हो लेकिन उसे नाम को रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम हो, या फिर आपका बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड करता है लेकिन उसे बैठने में प्रॉब्लम है, सिटिंग नहीं देता है, या फिर वो सिटिंग तो देता है लेकिन आपकी पॉइंटिंग, आपकी बातों को नहीं समझता है, या फिर वो चीज़ें समझता है लेकिन वो बोलने में या स्पीच में उसको बहुत प्रॉब्लम है। तो ये हर एक एरिया जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उस एक स्किल को हम टारगेट पर लेंगे। अगर आपका बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है तो हम बच्चे के IP में आई कॉन्टैक्ट को टारगेट पर रखेंगे और उस पर वर्क करेंगे सोशल स्किल्स में, कि हमें बच्चे के आई कॉन्टैक्ट पर काम करना है और उससे रिलेटेड बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाना ताकि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बढ़े। तो एक हर एक बच्चे के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ अलग होंगी और हर एक बच्चे के हिसाब से आपका काम कर टारगेट पर जो आप चीज़ रख रहे हैं वो अलग होगा। कोई भी स्किल जो आप टारगेट पर रख रहे हैं जिस पर हमें काम करना है, IP में हम कौन से 5 एरियाज हैं जिन पर हमें स्पेशली बच्चे के काम करने की ज़रूरत है, उन जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करूँगी। सबसे पहला स्किल होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज यानी कि बच्चा आप कितना बोलता है या कितनी आपकी बातों को समझता है। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं कि हम बच्चों की स्पीच पर ध्यान देते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, तो हम बच्चे को ओरल मोटर एक्सरसाइज करवाना या उस पर स्पीच का बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना कि उसे बुलवाना किसी ना किसी तरह से, हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा बोले। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के दूसरे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं जिसे हम रिसेप्टिव कहते हैं उस एक एरिया को मिस कर देते हैं और हम एक्सप्रेसिव में सीधा चले जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक बच्चे का रिसेप्टिव पार्ट बच्चे का डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे में रिसेप्टिवली चीज़ों को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो एक्सप्रेसिव में उसको आगे चलकर मुश्किलें आएंगी। और यही होता भी है कि अक्सर बच्चों को वर्बल स्टिमिंग या फिर इकोलेलिया के इश्यूज आते हैं क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। आपका बच्चा बोल सकता है लेकिन वो फिर भी नहीं जानता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है जो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चे में होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों पर काम कर दोनों एरियाज़ पर काम करना है। अगर हम रिसेप्टिव पे काम एक्सप्रेसिव पे काम करें तो रिसेप्टिव पर भी हम साथ में काम करेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों को बैलेंस्ड वे में रखना ताकि हमारे बच्चे में आगे चलकर उसे फंक्शनल स्पीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बच्चे को क्वेश्चन करें तो उसका आंसर करें, ना कि उन्हें रिपीट करें। क्योंकि स्पीच की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों पर हमें काम करना है बैलेंस्ड वे में। अगर आपका बच्चा मुंह भी नहीं खोलता है तो आप बच्चे के मुंह खोलना, उसे अलग अलग साउंड सिखाना या फिर शब्दों को किस तरह से उसे बोलना है या फिर लिप्स की या माउथ की मूवमेंट्स की इमिटेशन करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को रिसेप्टिवली उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना कि बच्चों में रिसेप्टिव स्किल्स को डेवलप किया जा सके, कोई चीज़ कहाँ किस लिए यूज़ होती है इन सब चीज़ की नॉलेज देना बच्चों को। एक्टिविटीज़ के थ्रू आप दे सकते हैं, जितना आप विजुअली चीज़ों को बच्चे को समझाते हैं उतना बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कोई चीज़ किस लिए यूज़ की जा सकती है, किसी चीज़ का क्या फंक्शन है, कोई चीज़ कहाँ बिलोंग करती है या किसी चीज़ के क्या फीचर्स हैं, ये सब बताना ज़रूरी है। दूसरा एरिया होता है सेल्फ केयर का। सेल्फ केयर मीन्स अपने आप से अपने काम करना, धीरे धीरे बच्चे पानी का ग्लास पकड़ना, उसे होल्ड करके पीना या फिर चम्मच को उठाना, चम्मच से खाना,
बाइट को तोड़ना, रोटी की, ये सब चीज़ें बच्चे धीरे धीरे अपने आप सीखने लगते हैं। हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है या फिर जो बच्चे डेवलपमेंट डिलेड होते हैं, उनमें ये स्किल्स अक्सर कम होते हैं। इसलिए बच्चों को ये सब चीज़ें उनके फाइन मोटर पर काम करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, वो उसमें डेवलप नहीं हुए हैं, तो ऐसे में ज़रूरत होती है हमें बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने की। हम बच्चे को सिखाएं, उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे कि हम बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। बच्चों में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, डेली लिविंग स्किल्स को पूरा करने के लिए बच्चों को के फाइन मोटर पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप प्ले की हेल्प ले सकते हैं, या चीज़ों को कपड़े पड़ी टॉयज या चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ग्रॉस मोटर में हम बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं यह भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रॉस मोटर पर काम करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चों को ग्रॉस मोटर को लेकर भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बच्चों को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि क्या बच्चा बाकी के माइलस्टोन, जो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन नॉर्मली बच्चे अचीव करते हैं, क्या बच्चा उन्हें कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है, हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए एक लाइन पर चलना वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम एक स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं कि बच्चे को एक सीधी लाइन पर चलने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को बॉल को रोल करना, बच्चे को बॉल को थ्रो करना, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चे को घर पर सिखा सकते हैं। और ये जो अर्ली स्किल्स हैं हमारे, ये बहुत ज़रूरी हैं बच्चों में डेवलप होने, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अर्ली इंटरवेंशन, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बच्चों को स्टार्टिंग के अर्ली ईयर्स में बच्चों को वो स्टिमुलेशन दे रहे हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और अर्ली ईयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि अर्ली ईयर्स में बच्चों के डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही तेज़ गति से होती है। और उस टाइम पर अगर बच्चा हमारा उन स्किल्स में पीछे रह जाता है तो आगे बच्चे के लिए वो काम करने मुश्किल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अर्ली इंटरवेंशन की एज होती है कि टू ईयर्स से हम स्टार्ट करते हैं, कि टू एंड हाफ ईयर्स का भी है बच्चे है कि हाँ बच्चे के साथ हम काम शुरू कर देना चाहिए। ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है क्या सीखेगा। 2 साल के बच्चों की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उन्हें चेक कीजिए और देखिए कि आपका बच्चा कहाँ पीछे है, और उन चीज़ों पर आप काम करें। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूँगी। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो सोशली वो डिसकनेक्ट होते हैं, स्पेशली एएसडी बच्चों की बात करूँगी। सोशल स्किल्स जो हैं वो बेस होते हैं हमारे बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स के। अगर आपका बच्चा आपके इशारों को नहीं देख रहा है, आप पॉइंट करें वो देख नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो काफ़ी चीज़ें जो है वो लैक कर रहा है, काफ़ी चीज़ों में वो पीछे जा रहा है। तो हमें उन स्किल्स को पकड़ने की ज़रूरत है। एक और चीज़ होती है कि बच्चे सिटिंग ही नहीं देते हैं, कुछ बच्चों को सेंस इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को पहले उनकी सिटिंग पर भी साथ में काम करने की ज़रूरत है कि बच्चे को बिठाना। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हम एकदम से 1 घंटा 2 घंटे बिठा लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को लगातार फोर्सफुली बिठाने की कोशिश की जाती है और उससे बच्चा रोना शुरू कर देते हैं और बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हम घर पर बच्चे को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके उसकी सिटिंग बिहेवियर बना सकते हैं कि हम उसे 10 मिनट के लिए बिठाएं। सेशन को शॉर्ट रखिए, कम रखिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम 1 घंटे या 2 घंटे बच्चे को लेकर बैठना ही है। पूरा दिन है हमारे पास, हम स्टार्टिंग कर सकते हैं 5 या 10 मिनट तक। अगर आपका बच्चा बैठकर आपके साथ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें बच्चों की सिटिंग बनाने के लिए उसे रिन्फोर्स करना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा बैठा है तो आप उसे साथ साथ कुछ ना कुछ देते रहें खाने के लिए। अगर आप जैसे हम नॉर्मली बच्चों को कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हैं, नॉर्मली ना देकर हम बच्चे को बिठाने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुरकुरे है या कोई भी चीज़, बिस्किट है, जो भी आपका बच्चा पसंद करता है उसे आप एक एक करके दीजिए। आपका बच्चा ज़रूर सिटिंग देगा आपको और उसमें वेटिंग कॉन्सेप्ट भी आएगा कि मुझे अभी ये चीज़ मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है बच्चों की लर्निंग के लिए, कि बच्चों में सिटिंग को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कि बच्चे आपको देखें, बच्चे देखते ही नहीं है, आप बार बार उन्हें कह सकते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आप लाइट अप टॉयज़ को यूज़ कीजिए, आप सेंसिटिव चीज़ों को यूज़ कीजिए, मूविंग चीज़ों को यूज़ कीजिए, पिन व्हील लीजिए, पिन व्हील को फ्लो कीजिए और उसे बच्चे को दिखाइए। जब मूवमेंट होती है किसी चीज़ में तो बच्चे अपने आप से देखते हैं, ऑटोमेटिकली देखते हैं, क्योंकि कोई भी मूव करती हुई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से बच्चों को, कई बार बच्चों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हम उन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं बच्चे का आई कॉन्टैक्ट लेने के लिए। इसके साथ साथ बच्चों को यह बोलना कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यह ज़रूरी है ताकि बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन को धीरे धीरे समझना शुरू करे। और यही इंस्ट्रक्शन आगे चलकर आपको हेल्प करती हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे दूर भी कहीं बैठा है या खड़ा है तो आप उसे बोल सकते हैं लुक एट मी, और बच्चा आपको पलट कर ज़रूर देखेगा। क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को सिखा नहीं रहे हैं कि उसे हमें
देखना है, साथ में उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी सिखा रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखो। तो ये एक चीज़ कि आप उसे फोर्सफुली नहीं, तो हम उसे चीज़ों के साथ में ही सही खुद की तरफ देखना सिखाएंगे कि जब हमने लुक एट मी बोला है तो बच्चे को हमें देखना है। क्योंकि बच्चे अक्सर इंस्ट्रक्शन को समझते नहीं हैं, तो हमें हर एक इंस्ट्रक्शन उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती है, बच्चे आपकी बातों को सुनना शुरू करते हैं। अगर मैं इमोशनल की बात करूँ तो बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट बहुत कम होती है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे अपने इमोशंस को आगे चलकर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते हैं किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है, वो क्या फील कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें बच्चों के लिए कि उन्हें ये सिखाना, उन्हें बेसिक इमोशन सिखाना कि क्या कैसा फील कर रहे हैं, उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ऐसे में आप बच्चे को फेस बनाकर दिखाइए, उसके सामने विजुअल में कार्ड्स रखिए और पूछिए, अगर आप स्माइल करें तो पूछिए मम्मा कैसा फील कर रही है, और फिर बच्चे से पूछिए कि मम्मा, अगर बच्चा नहीं बता रहा तो बोलिए मम्मा इज़ हैप्पी, देखो ये स्माइल कर रहा है, मम्मा भी स्माइल कर रही है, मम्मा इज़ हैप्पी। इसी तरह से सैड और एंग्री, ये तीन बेसिक इमोशंस हैं जो हमें बच्चों को सबसे पहले सिखाने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट स्किल की बात करूँगी जिसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना। बच्चों का कॉग्निशन जो है वो कम रहता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पर, बच्चे समझ उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है स्टार्टिंग में, इसी वजह से बच्चों के सभी स्किल्स सभी एरियाज अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पर सबसे पहले काम करेंगे कि हम उसे कॉन्सेंट्रेशन की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को घर पर बना सकते हैं बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पर काम करने के लिए, जिसमें सिर्फ बच्चे को सर्कल्स के ऊपर कोई भी चीज़ रखनी है। इसके अलावा बच्चों को मैचिंग और सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हम बच्चे को कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ाने के लिए उसके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेल सकते हैं जो बच्चों के साथ अर्ली ईयर्स में खेलना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं पिकअबू की बात करूँ या फिर बच्चे के साथ प्रिटेंड प्ले भी आप कर रहे हैं, तो आप बच्चों के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आप एक टॉय ले सकते हैं और बोल सकते हैं देखो ये टॉय है, ये अकेला फील कर रहा है, इसको फ्रेंड चाहिए, तो फ्रेंड इसके साथ में देखो ये टेडी आ गया। तो हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि दोनों अब ये मिलकर खेलेंगे, देखो किसके साथ खेलेंगे, हम तीन चीज़ें रख सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं चूज़ करो इसके साथ किसके साथ खेलेंगे। फ्रेंड प्ले के थ्रू आप बच्चों को चीज़ों के फंक्शंस फ्रेंड्स के बारे में इजीली बता सकते हैं जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं सीखते। तो ये एक फंक्शन सिखाना कि किसी चीज़ को हम किस लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़रूरी है। आप इसे प्ले वे के थ्रू सिखा सकते हैं कि बेबी को खाना खाना है तो किससे खाएगा, चम्मच उठा के दिखाना, बेबी को काम करना है तो किससे करेगा, उसके बालों पर लगाना कि किस जगह पर हमें और क्या करना है, किस तरह से उस चीज़ को यूज़ करना है, यह सिखाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चा नेमिंग और लेबलिंग भी सीखता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है प्ले वे में ही बच्चों के उन स्किल्स पर काम करना जो कि बच्चे अपने आप से नहीं सीखते हैं, इस तरह से बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। कॉग्निशन पर काम करने के लिए हम बच्चों को सॉर्टिंग ऑफ कलर सिखा सकते हैं। अगर आपके पास जूते हैं या चप्पल भी है, बच्चे को बोलिए पेयर बनाए, जैसे एक चप्पल आपने रख दी है, तीन चप्पल आपने अलग अलग तरह की रखी है, और बच्चे को बोलिए कि इसका पेयर बनाए, और बच्चे तीन आपने रखती हैं तो बच्चा जोड़कर उन्हें आसानी से पेयर बना लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा नहीं बना पाता है तो उसे ये चीज़ें आप सिखाएंगे कि ये देखो ये इसके साथ जा रहा है, ये देखो सेम सेम है ना, तो बच्चा सेम के कॉन्सेप्ट को समझता है। कई बार बच्चे ये कॉन्सेप्ट्स भी जो अर्ली कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे उन्हें मिस कर जाते हैं और आगे चलकर फिर उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों पर काम करेंगे। इसके अलावा अगर सॉक्स आपने रखी है तो आपने एक सॉक उठाई है, 5-6 सॉक्स उसके सामने रखी हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि सेम सॉक मुझे ढूंढ कर दो। बच्चे के वियर प्रोसेसिंग पे आप काम कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं, बच्चा सेम चीज़ को ढूंढ रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर पर आप स्पेशली जब अगर आपने स्पून रखे हैं और एक बीच में फॉक रखा है, तो आप उसे पूछ सकते हो कि इनमें से क्या डिफरेंट है। इसके अलावा बच्चों को एट्रीब्यूट्स से चीज़ों को पहचान आना चाहिए कि अगर हमने उसके पास सामने चार चीज़ें रखी और हम उसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जिसके व्हील्स हैं उठाकर दे दो मुझे, या इनमें से कौन सी चीज़ है जो ब्लू है वो दे दो, तो ये चीज़ें भी बच्चों को देखने में उन्हें समझने में हेल्प करती हैं। क्योंकि ये
जो स्टार्टिंग के जो चीज़ें हैं, ये सब स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि घर पर हम स्टार्टिंग में क्या काम करें बच्चों के साथ में, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ आप बच्चे के साथ घर पे कीजिए, आपके बच्चे ज़रूर समझेंगे। इसके अलावा हम बच्चों को नेक्स्ट जो चीज़ करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं कि बच्चों को जो लाइफ स्किल्स हैं उन्हें किस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को बताना कि कौन सी एक्टिविटी हम पहले करते हैं कौन सी बाद में करते हैं, ये सीक्वेंस में चलना, बच्चों को सीक्वेंस के थ्रू बच्चों को सिखाना, उनके लाइफ स्किल्स के बारे में बताना, ये बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं आगे चलकर बच्चों को। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जब पिक्चर्स को देखना शुरू कर देते हैं और वो समझ जाते हैं कि मुझे इस सीक्वेंस में कोई काम करना है, तो बच्चे वैसे ही करते हैं। जैसे कि अगर हैंड वॉशिंग हम बच्चे को सिखा रहे थे, उसके स्टेप्स आप लीजिए, आप उसके स्टेप्स की पिक्चर निकालिए और उसे लैमिनेट कीजिए और बच्चे को सिखाइए कि पहले हम टैप खोलेंगे, हाथों को वेट करेंगे, फिर हम सोप लेंगे। तो इस तरह से एक ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अर्ली ईयर्स में। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी में बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से हम उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे काम कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बैलेंस कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो घर पर ओटी एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं बच्चों को, जिससे हम बच्चों के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को सिंपली थेरेपी बॉल के ऊपर बिठाना भी अच्छा बैलेंस वर्क है, या फिर बच्चे को बैलेंस बीम पर चलाना बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो ये एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं वो देखकर नहीं चलते हैं, या फिर बच्चों को स्टार्टिंग में ऑब्स्टेकल देना भी एक अच्छा आइडिया रहता है। अगर आपका बच्चा सही से वॉक कर लेता है तो आप ऑब्स्टेकल दीजिए, ऑब्स्टेकल से बच्चे क्रॉस करना चीज़ों को सीखते हैं और देखकर चलना सीखते हैं। इसके बाद जब हम बच्चों को घर पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा टारगेट होता है बच्चों को इमोशन को रेगुलेट करना सिखाना। जब हमने बच्चों को इमोशंस के बारे में जानकारी दे दी है तो किस तरह से रेगुलेट करना है सही तरीके से के साथ में, ये भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि चीज़ अगर हमें मांगनी है तो हमें एक अप्रोप्रिएट वे में मांगनी है, इस तरह से हमें बिहेवियर्स नहीं करने हैं। बच्चों के बिहेवियर्स पर काम करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना, उनकी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को बढ़ाना कि बच्चा सही से खुद को एक्सप्रेस कर पाए। इसके अलावा सेल्फ केयर स्किल्स सिखाना बच्चों को, क्योंकि कुछ डेली लिविंग स्किल्स करने में भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चे आगे चलकर इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, तो स्टार्टिंग में ही हमें उन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आता है कि टीथ को ब्रश करना, बेदिंग करना, खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, ग्रूमिंग करना। ये सभी स्किल्स जो हैं बच्चों में तभी आते हैं जब हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को सिखा रहे हैं कि इसको कंघी करो, तो वो कंघी करना सीख रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि इसको पानी पिलाओ तो वो ग्लास को उठा रहा है और पानी पिला रहा है, तो इसका मतलब है वो जानता है कि ग्लास को किस तरह से होल्ड करना है। तो अब ये जो प्ले वे में ही बच्चे के साथ में काम कर रहे हैं, उसे ये स्किल सिखा रहे हैं जो आगे चलकर उसे इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग जिसे हम कहते हैं बहुत ज़रूरी होती है स्पेशली अर्ली ईयर्स में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ना सिर्फ बच्चों को इमोशन को रेगुलेट करना सिखाया जाता है, बल्कि सिखाया जाता है उन्हें सेल्फ हेल्प केयर स्किल्स, किस तरह से उनके फाइन मोटर्स को इम्प्रूव किया जाए कि बच्चे अपने रोज़ के काम आसानी से कर पाएँ। इसके साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉग्निशन पर काम करना, कि विजुअल परसेप्शन पर काम करना और उन्हें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देना, प्ले वे के साथ में ही बच्चों के इंपॉर्टेंट स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें ऐसे सिखा सकते हैं, चाहे वो प्ले डो है, क्लॉथ पिन है, आइसक्रीम स्टिक्स है, किसी पैटर्न को कॉपी करने की बात है, किसी चीज़ को किसी सीक्वेंस को पूरा करने की बात है या पैटर्न को पूरा करने की बात है, ये सब चीज़ें बच्चों में अंडरस्टैंडिंग, उनके फाइन मोटर स्किल्स, उनकी कॉग्निशन, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा लगता है बहुत हाइपर है तो उससे पिलो के साथ में, बच्चा बहुत छोटा है तो उसे अपनी लैप में रखकर पिलो के साथ में प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसे शीट में रैप करके भी प्रेशर दे सकते हैं। सिर को बाहर निकाल के रखना है हमें और बच्चे को सिंपली शीट में रोल करना है। बच्चों को अर्ली ईयर्स में टैक्टाइल एक्टिविटीज़ भी दी जा सकती हैं, जिसमें हम प्ले डो को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बबल्स को यूज़ करते हैं, वाटर बीड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। अगर हमने सैंड में कुछ एनिमल्स छुपा दिए हैं, बच्चे को बोला है कि निकाल के दो, बच्चा निकाल रहा है, तो ये एक चीज़ भी बच्चों की फाइन उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिल रहा है। अगर बच्चे की टैक्टाइल नीड्स ज़्यादा हैं तो बच्चों को अलग अलग सेंसिटिव्स के साथ में स्टिमुलेशन दिया जा सकता है जो उन्हें शांत रहने में हेल्प करता है। वर्कशीट्स लैंग्वेज के ऊपर जो बेस्ड होंगी या ओटी के ऊपर बेस्ड होंगी या कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होंगी, मेरी मैगजीन में आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं, वाटर में अगर चीज़ें रखते हैं, वाटर के साथ में बच्चे इसे इंजॉय भी करते हैं क्योंकि इससे बच्चों को टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है और बच्चे इससे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप खेल खेल में ही प्ले वे के प्ले वे में या प्ले बेस्ड थेरेपी के साथ ही बच्चों के इन अर्ली स्किल्स पर ईजिली काम कर सकते हैं और ये एक्टिविटीज़, ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों को घर पर ही अर्ली इंटरवेंशन देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।